हर महादेव सर, आप लोग जो भी निकली बात हर महादेव। थैंक यू सर। जी जी जय माता दी। उसके पहले मैं एक फिल्म की थी, उर्दू लैंग्वेज में थी, भोजपुरी नेपाली में, हिटलर, जो हमने नेपाल बॉर्डर में शूट किया था। भोजपुरी की शादी की होती फिल्म थी, दो लैंग्वेज में, उसके बाद ये सेकेंड मूवी है नगानिश का। रोपली बहुत अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं संग्राम जी। उम्मीद है कि ये फिल्म भी उसी तरह एक खूबसूरत और शायद रोमांटिक और एक्शन ड्रामा है, तो अच्छी फिल्म होगी। किस तरह का कैरेक्टर है आपको? मैं एज यूजुअल विलेन ही हूँ। हम दो भाई हैं, मेरे बड़े भाई अवधेश मिश्रा जी हैं, जो वैसे भी उम्र में मुझसे बड़े हैं, तो बहुत दिनों बाद अक्सर सहरा बांध के आऊँगा, अभी हमने रास्ते लग गया, उसके बाद अवधेश जी और मैं साथ में आ रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा यूएसपी है इस फिल्म की, वैसे हम दोनों का साथ आना बहुत अच्छी अभिनेता है अवधेश जी का, तो उनके साथ काम करके बहुत खुशी होती है। विलेन का ही रोल कर रहा हूँ इसमें मैं, और बट रोमांटिक स्टोरी और न्यू कास्ट है, न्यू विलेन है, वो भी एक फ्रेश ऑडियंस को देखने को मिलती है। मतलब आपको पर्दे पर कुछ नए लोगों को मारने पीटने और नए लोगों से पिटने का मौका एक बार फिर मिल रहा है। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है, हम तो क्या करें, किस्मत में लिखवा के लाए पिटना, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ बीच बीच में पॉजिटिव करने की, कॉमेडी करने की, कि थोड़ा सा मार खाने से बच जाऊँ। अब थोड़ा मार खाना करता आप नहीं लगता, बहुत पिट लिए, 150-200 फिल्मों में पिट लिए, बट मजबूरी है। विलेन अगर आप कर रहे हैं तो विलेन की नियति ये है कि बुराई का अंत होता ही है, अगर बुराई का अंत ना हो तो हमारे ऑडियंस को लगता है कि कुछ अधूरा सा रह गया है, और फिल्में चलती भी नहीं जिसमें विलेन का प्रॉपर एंड ना हो। तो हम शुरू से रामायण के काल से लेकर चले आ रहे हैं, तो हमको बुराई है तो उसका पिटना उसका अंत निश्चित। आपके बड़े भाई साहब नजर नहीं आ रहे हैं अवधेश मिश्रा जी। बड़े भाई साहब शायद सिलवासा में शूटिंग कर रहे हैं, गांधवे हैं, रास्ते में है, उन्होंने मुझसे कहा कि जाके व्यवस्था देख लो। फिर अच्छा, एक नया हीरो होता है संजय जी, एक नया हीरो होता है तो कुछ एक्साइटमेंट फील होती है कि ये मारेगा तो ऐसे गिरेंगे, वो मारेगा तो ऐसे घुसा ऐसे मारेगा, लात ऐसे मारेगा। नहीं, पहले तो हम ये देखते हैं कि मारने में कितना ट्रेन नहीं वाइट नए हीरो के साथ हमें ज्यादा डर लगता है, क्योंकि जो घायल होते हैं लोग वो नए हीरो के साथ ही होते हैं सर, क्योंकि ये थोड़ा सा वो है। मैं हर नए हीरो को कहता हूँ कि प्लीज एक्शन का कम से कम तो ट्रेनिंग लेके आओ, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है, उनको कुछ नहीं होता, हमारे दो तीन फिल्में छूट जाती है, फिर एक आध महीने का बेड रेस्ट हो जाता है। नहीं, कभी किसी हीरो का ऐसा जबरदस्त गुस्सा पड़ा कि दांतों टूटा हो? गुस्सा तो नहीं पड़ाता, आँख मेरी मतलब ईश्वर की दुआ से जाती जाके बच गई थी, फायर चला रहा था, फायर एकदम आँख के पास चल गया, अभी कल भी फायर हुआ, मेरी आँख दर्द कर रही है। फायर नकली होता लेकिन उसमें बारूद होते, उस हीरो ने यहाँ से चला दिया था, और मैं कम से कम 15 दिन के बेड रेस्ट पर था, ऊपर वाले की दुआ मेहरबानी से आँख बच गई थी। और एक बार हुआ था, हमारे मित्र को एक्टर पदम सिंह थे, उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी, अगला शिकार मैं ही था, उनको पंच मारने के बाद अगला पंच मुझे ही लगना था, उनको लगी और टक की आवाज़ आई, स्टूडियो वाले चालू कर दो, निकल गई। तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, न्यू कमर के साथ ज़्यादा होती हैं, कुछ पुराने लोग भी मार देते हैं, बट नए एक्टर जो है, मेरी गुजारिश है कि हम लोगों के लिए खासकर हमारी जीवन की सफलता उसके लिए एक्शन सीख के आए बस। निर्देशक साहब संतराम जी, इश्क के कई रूप देखे, तेरा इश्क, मेरा इश्क, लाल इश्क, पीला इश्क, नादान इश्क, ये इश्क की इश्क का कौन सा फॉर्म है? ये स्टार्टिंग बिगनिंग जिसको बोलते हैं, जहाँ इश्क शुरू होती है, जब से बिगनिंग का प्रॉब्लम है शुरुआत से। अब जो नादान इश्क होते हैं ना, वो जो परिपक्व इश्क और नादान इश्क में सिर्फ यही फर्क होता है, वो बाय मिस्टेक कभी गलती कर जाते हैं। वैसे इश्क तो नादान ही होता है, तैयार नहीं हुआ भाई, समझदारी से तो व्यापार होता है। हाँ, और ये नादान इश्क होता है शुरुआती जो 16-18 साल के जो लड़के की नादान इश्क होती है, उस तरह की हमारी। अच्छा, ये संजय पांडे जी को देखो, आपको सच में लगता है इनका इश्क नादान होगा? मेरा नहीं है, मैं तो इश्क में दखल देने वाला आदमी देने वाले, वो इश्क में बाधा देते हैं, जो
दोनों पैर की कहानी है, उसमें सबसे बड़े बाधा देने वाले आप ही भाई, नायक के रास्ते में खल उत्पन्न करते हैं, इसीलिए तो खल नायक कह रहा है। तो उसकी सजा भी तो मिलती है, ड्यूटी टूटती है और क्या। कब तक शुरू हो रही है फिल्म आपकी? 1 अगस्त से हम लोग शुरू कर रहे हैं कानपुर के पास में। वहाँ पे हमारा लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है और बहुत खूबसूरत प्यारा सा दृश्य वहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से भोजपुरी की पहली फिल्म वहाँ पे कन्नौज में मेरे याददाश्त में कोई फिल्म है। प्रोड्यूसर साहब, आप जरा अपने बारे में बताइए, योगेश जी की आप फिल्म बनाना चाहते हैं नाला स्पीकर, आपने इससे पहले कोई फिल्म बनाई है या फिर आप कहाँ से ख्याल आए मैं एक फिल्म बनाई जाए? सर मैंने तो कोई फिल्म नहीं बनाई, और ये हमारी पहली फिल्म होगी नाला निश्चित। सर देखिए वैसे तो काफ़ी टाइम से जो है सोच रहे थे कि फिल्म करें, लेकिन कोई हमें ऐसी छोटी नहीं मिल पा रही। काफ़ी टाइम बाद हमारे फिल्म राइटर अवेय जी से मुलाकात हुई, उन्होंने भी 2-3 मिनट कहानियाँ सुनाई, लेकिन ये जो नादानी फिल्म बनाने जा रहे हैं ये जो है ज़्यादा कहानी हमें मेरे को पता है, मतलब कि एक साफ सुथरी कहानी। जैसे कि आजकल जो है भोजपुरी फिल्मों का नाम लेते हुए लोग ये कहते हैं कि वल्गैरिटी ज़्यादा होती है, तो हमें जो है ना साफ सुथरी फिल्म देना चाहते हैं और ये जिसमें कि मतलब कि एक ही छत के नीचे और एक ही स्क्रीन पर पूरा परिवार बैठ के फिल्म देख सकते हैं। जो पीछे पोस्टर है उसमें बाकी चेहरों को मैं पहचान रहा हूँ, जो ये लीड एक्टर आपके हैं जीरो प्लस रोल, इनके बारे में जरा बताइए ये कौन है और कैसे इनकी कास्टिंग हुई? ठीक है, जब हमारे पास प्रोड्यूसर साहब आया, राइटर साहब, उनको कहानी सुनाया और ये कहानी से ये पता लगा कि नादानिश मतलब टाइटल खोज हुई, इसमें टीनेजर लव स्टोरी थी, तो इसका ऑडिशन हमने रखा था लखनऊ में, तो वहाँ पे हमारे एक हमने फाइनल किया आशीष कुमार को, तो वहाँ पे उनका हमको ऑडिशन बहुत अच्छा लगा और ये टीनेजर मतलब लुक ही था, अभी जस्ट कॉलेज पास आउट हुए हैं तो उनको दिखा, फिर उसके बाद हम ये हीरो से मिले, बट हीरोइन उसी चाहिए, इसके लिए हमने यहाँ पे मुंबई में भी काफ़ी ऑडिशन रखे और भी, फिर हम लोग गोरखपुर में गए, तो गोरखपुर में एक दंगा फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में गया था, तो वहाँ पर वो लड़के मिले गोरखपुर में, तो फिर आपकी जमीन गोरखपुर में दंगा करते हुए मिली आपको? नो, दंगा नहीं, मतलब एक मैं लोकेशन के लिए गया हुआ था तो वहाँ पे वो मिल गई, जैसे मुंबई में ढूंढा हो जाके गोरखपुर में मिली जी। पहली कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं आप, संजय बोल सकते हैं, पहली फिल्म है उनकी भी? हाँ, उनकी भी पहली फिल्म है, अपने हीरो की भी पहली फिल्म है और दोनों के आप यहाँ पे सपोर्टर देखे। कब तक सोचते हैं फिल्म मन से तैयार हो जाएगी नादानिश और ये इस नई जोड़ी की नादानी कब तक कैमरे के जरिए सिनेमा स्क्रीन पर दिखेगी? ये अगस्त में अपनी शूटिंग का पूरा लोकेशन है, पूरा पिकनिक लास्ट में शूटिंग करेंगे और नवंबर दिसंबर तक रिलीजिंग का प्लान था। इस फिल्म में मेरा गाना है और सबसे पहले मैं मोहन राठौर, सारे भोजपुरी भाई लोगों को मेरा प्रणाम और ढेर सारी शुभकामना आप सबको और ये पूरे टीम को जो ये फिल्म किए हैं नादान इश्क का। तो हम इस फिल्म में गाना गावा था नहीं, हमारे बड़े भैया छोटे बाबा मुझे डायरेक्टर हैं, मैं जयप्रकाश सिंह, इस फिल्म में अवतर कपूर का नाम हीरो के, और मेरी शुभकामना है वसंत राज की साथ मेरी दूसरी फिल्म आई, आज से 9 साल पहले हम लोगों ने शादी ब्याह एक फिल्म आई थी उसमें साथ में काम किए थे और इसमें सेकेंड टाइम हम उनके साथ हैं, हमारी मंगल शुभकामना है कि जिस तरह से फिल्म का नाम है नादान इश्क, इस तरह से ये जैसा उन्होंने भी डिफाइन किया था कि इश्क जो है नादान तो होता है लेकिन जो बिगनिंग का पीरियड होता है बिल्कुल इनोसेंट होता है, लड़के लड़की दोनों के लिए वही चीज़ उन्होंने दर्शाया है और मैं उम्मीद करता हूँ, यकीन मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि सत्यराम जी जैसे सही डायरेक्टर इस फिल्म को सही अंजाम देंगे। हमारी मंगल शुभकामना, ईश्वर से प्रार्थना, इस फिल्म को अच्छे से बने, अच्छे से रिलीज हुए, अच्छा रिजल्ट आए, इससे पूरी टीम और साथ में आप मीडिया वालों को सबको हर्ष धन्यवाद और आप लोगों के ईश्वर आपको तंदुरुस्ती दें, कार्यक्षमता दें, सब कुछ दें जिससे आप लोग इसी तरह से हमारे फिल्म इंडस्ट्री का आप लोग इसी तरह से बढ़ावा देते रहें। और जी आप बताएं जरा आप क्या कर रहे हैं? मैं सर इसमें फादर, मैं
से मिला तो उनको मैंने अभी दो तीन कॉन्सेप्ट सुनाए, तो उन्होंने पहले यही पूछा कि इसके बारे में कुछ बताइए नाना इसके बारे में। मैंने जब सारे कंटेंट सुनाए तो उनको ये बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि जो है हमें तो पसंद है लेकिन डायरेक्टर भी होना चाहिए जो अच्छा इसको फिल्मा सके। तो चूँकि जब हमारे संग्राम जी की गड़बड़ ढाली आ रही थी हम उसी टाइम उनसे कॉन्टैक्ट में थे, और हमने सर से कहा कि सर एक कंटेंट सुन लीजिए सुन लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है सुनेंगे, थोड़ा समय अभी हम बिजी हैं। तो प्रीमियर के दिन मैंने उनको कुछ ऑनलाइन में सुनाया था, सर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है हम इस पर काम करेंगे और टीनेजर लव स्टोरी है बहुत अच्छा कंटेंट लगा उनको। तो दैन फिर इसके बाद हमने कंप्यूटर साहब के साथ मिलाया, बैठ के सारी टीम एकदम तैयार हुई और फिर लग गए हम लोग कि फटाफट फिल्म बनानी है। फिर सर लोग मिलते चले गए धीरे धीरे और टीम तैयार हो गई और सुना देता हूँ और सावन आने वाला है सारे भैया भाइयों सावन के लिए सबको इसी तरह बनाया रखू। एक सॉन्ग मैं सुनाता हूँ आता है हमारा कि तुम जात में तुम बड़े हो और हम छोटे हैं, तो बाद में बहुत ही इशू आता है कुछ
चीज़ फिल्म दिखा रहे हैं कि हम ये चीज़ें हम ये चीज़ है फिल्म में अच्छा भी लगा ये चीज़ आज के लिए चीज़ होता है बहुत है ओके जैसे कि फर्स्ट टाइम आप मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कोई ट्रेनिंग किसने आपको बताई कि इस तरह से बात करना है पत्रकारों से क्या नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है बट कॉन्फिडेंस इतना है ना ओके सर आपसे क्या करते हैं आप दोनों मैं बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनका ऑडिशन दिया था लखनऊ में तो लखनऊ में तो मुझे आशीष मिले और मैं जब कहानी सुनाया इनको तो बहुत अच्छा इनको भी लगा तो बोले कि नहीं करना चाहिए यार जब सब ये ढूंढ रहा था कि 18-19 साल का लड़का और वही 18-19 साल की लड़की तो उस हिसाब से मैंने काफ़ी ऑडिशन लिया काफ़ी मतलब हजारों की संख्या में लड़के लोग आए थे उसमें से हमने इनको एक सेलेक्ट किया इनका एक डांसिंग स्टाइल बहुत अच्छा डांस बहुत अच्छे डांसर भी है और डांस बहुत देखा प्लस एक्टिंग देखा मुझे अच्छा लगा प्लस हमारे फिल्म में टोटली फिट बैठ रहे और ये एक प्रीति का हमने गोरखपुर में देखा मैं फिल्म में छोटी के दरमियान गया था लगन वहाँ पर देखा फिर मैंने ऑडिशन लिया फिर यहाँ पर भी हमने कभी काफ़ी क्लासेस कराए तो जाकर और उसी तरह से हमने ये फिल्म में साफ सुथरी बनाने की कोशिश की है बट ये आजकल के जो लव स्टोरी हो रहे हैं 15-16 साल से ही हम लोग बाकी पढ़ते हैं और लव करना शुरू हो जाता है तो बट लव तो हो जाता है बट उसमें कितनी गलतियाँ होती हैं कितने प्रॉब्लम होते हैं अब उस चीज़ को फेस करते हैं हाँ ये आप दलित बोले करेक्ट है सड़क के भी बिल्कुल ही है सड़क में लोग भाग के शादी करते हैं वो होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ पे फैमिली मान भी जाती है इसमें बट सारा चीज़ आप फिल्म दे रहे हैं मेरा सवाल ये है नादान इश्क में बतौर डायरेक्टर क्या आपको अपना पर्सनल तजुर्बा भी कुछ काम आ रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने छेड़ दी थोड़ा बहुत बता बता दीजिए दीजिए आप जी 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 नहीं नहीं थोड़ा सा छोटी सी लव स्टोरी जी 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 एक बहुत गलत थी छोटी सी लव स्टोरी उस चीज़ को हमने इसमें कॉलेज के टाइम जब मैंने ग्रेजुएशन को मिला हुआ था में कम्प्लीट किया था उसके बाद ओके कितना दिन ज़्यादा दिन नहीं बस नाम भी दो सबको बताना चाहता हूँ कॉलेज की जो भी स्टोरी होती है उसकी की वो ज़्यादा दिन रहती नहीं है क्योंकि उसके बाद तो लोग बिछड़ जाते हैं बिछड़ने के बाद उनके जॉब में या कहीं कहीं जाते हैं उसके से 1% लोग सक्सेस होते हैं किस तरह की फिल्म है और किस तरह का जहाँ तक मैं दिख रहा हूँ कि
है म्यूजिक में कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा की तरह इसमें भी अपने में कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत पसंद आए पब्लिक को और उसको खासा मैं ध्यान रख के इसलिए म्यूजिक कर रहा हूँ। ये गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लड़की का कुछ लाइन है, उसके बाद लड़के का लाइन है कि तेरी जवानी याद है तो मेरी जवानी चिराग है, और अभी आप छोटे बाबा जी जी आपको आपका तो खाली नाम छोटे बाबा है, बाकी आपके नाम बहुत बड़े बड़े हैं। छोटे बच्चों के लिए म्यूजिक देने का मौका मिला है आपको, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स अपना कुछ खास तौर का योगदान देना चाहेंगे इसमें? मैं इससे पहले मिला नहीं था तो मैं इनको देख के मुझे लगा कि अपनी का जो साउंड कुछ होना चाहिए वैसा, तो इनके ऊपर जम गए, तो मैं इसका खासा ख्याल रखूँगा, इसका बहुत खास ध्यान रखूँगा कि यंग जनरेशन के साथ काम करने का मतलब होता है कि कुछ रोमांटिक कुछ स्पेशल कुछ नया अपन मिले, तो मैं जरूर म्यूजिक से रहता कुछ कुछ गा के भी सुना दीजिए इस आपने छोटा भाई के लिए, थोड़ा सा ये बाहर का ये है ना जी बड़ बनने के बाद सर कोई कोई अपना कोई एक ना एक गाना कोई सावन का महीना चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मुझे याद नहीं क्यों नहीं याद रहता है गाना सत्य फिल्म से गाता हूँ धड़कन मोहब्बत कर गए धड़कन।